वेलकम गाइस। हाँ जानता हूँ बहुत ही ज़्यादा लेट हूँ, लेकिन मिस वीडियो में इस समय मिस वीडियो का इंट्रोडक्शन नहीं देना आया हूँ। दरअसल मैं बस इतना ही कहना आया हूँ, ये स्टोरी इतने ज़्यादा इमोशनल ना कि अगर आपकी आंखों में आंसू नहीं आए तो सच में आप इंसान नहीं हो, आप इंसान नहीं हो, मैं गारंटी से कह सकता हूँ। और इस स्टोरी को सुनने के बाद आपको, मुझे पूरा गारंटी है कि आपको पता चलेगा कि मित्सो की कुर्बानी, रॉन की कुर्बानी, मित्सो की कुर्बानी के सामने कुछ भी नहीं है। और क्योंकि ये वीडियो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा, और ये पूरे परमान कम्युनिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाले, इसलिए मैं इसमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया हूँ। अपने एनिमेशन साथ ही साथ अपने वॉइस को क्लियरिटी रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया हूँ, सही बोल रहा हूँ। भले ही ये मेरी आखिरी वीडियो, लेकिन मैं इसे पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोग को पूरा खुश करूँ, क्योंकि मैं ये स्टोरी आपके लिए बनाया था। और क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ गए मेरे 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 साथ, इसलिए मैं इसके आगे कंटिन्यू नहीं कर पाया, आई एम सॉरी। लेकिन मुझे पता है कोई ना कोई इसको ज़रूर कंटिन्यू करेगा, और उसके लिए मैं ऑल द बेस्ट कहना चाहता हूँ। अगर उसको ज़रूरत पड़े तो वो मेरे वीडियो को डायरेक्ट कॉपी करके अपने चैनल पे डाल भी सकता है, अगर उसको और अच्छे से एडिट करना आए या फिर कुछ भी कर सके, मैं उसको कॉपी स्ट्राइक नहीं दूंगा। तो बेसिकली शुरू करते हैं। ये स्टोरी रॉन की बचपन की स्टोरी है, और हम इसमें रॉन की पिक्चर बुक मी शूटिंग स्टार नेकन के बारे में जानेंगे। मैं एक शूटिंग स्टार बनना चाहता हूँ, एक शूटिंग स्टार जो सभी को खुशियाँ दे। आज की सुबह बहुत ही ज़्यादा सुहानी थी। मैं रॉन फ्रैंक, दरअसल आज मैं पीबी हाउस में पहली बार साफ सफाई कर रहा था, क्योंकि सोफी मुझसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा थी, इसीलिए मैं आज बहुत ही अच्छे से साफ सफाई, एकदम बारीकी से साफ सफाई कर रहा था। मुझे आज चारों लोगों के कमरे में साफ सफाई करनी थी। पहले मैं मित्रों के कमरे में जाता हूँ, उसका कमरा भी मेरे जैसे बहुत ही गंदा था, लेकिन मुझे उसको साफ करना पड़ा अच्छे से। काश थोड़ा सा वो अच्छे से साफ सफाई करता तो मुझे इतना काम नहीं करना पड़ता, लेकिन अब बारी थी मेरे कमरे की। अब मैं अपने कमरे जाता हूँ, मैंने अपने सारे कमरे की साफ सफाई की। अब बारी थी लाइब्रेरी की, अब वहाँ पे बुक सेल्फ की बहुत ही ज़्यादा बुक थी, मैंने बस सर्विस से भी बहुत ही ज़्यादा बुक ली थी, वहाँ बहुत सारे पुराने बुक्स भी थे, वहाँ बहुत सारे डस्ट भी थे। लेकिन तभी मेरी नज़र वहाँ पे एक बुक की तरफ जाती है, मैं धीरे धीरे उस बुक की तरफ बढ़ता हूँ। वहाँ पे बुक वो उन बुक सेल्फ के एकदम कोने में, एकदम कॉर्नर में रखी हुई थी। मैं उस बुक को वहाँ से उठाता हूँ, उस बुक में एक शूटिंग स्टार का पिक्चर था। हाँ, एक शूटिंग स्टार का जो कि बहुत सारे लोगों के सामने भी था, शूटिंग स्टार के हाथ और पैर भी थे। इससे पता चलता है कि हाँ, ये एक बच्चों के शूटिंग किताब है, शूटिंग स्टार नेकन। मैं उस शूटिंग स्टार को गले से लगा लेता हूँ, क्योंकि ये बस एक शूटिंग स्टार है, ये बच्चों की किताब ही नहीं है। दरअसल ये बहुत ही खास है मेरे लिए, क्योंकि ये मेरे और मेरे मरे हुए भाई के रिश्ते को दर्शाता है जो कि नहीं रहा। दरअसल ये तब की बात है जब मैं 4 साल का था और मेरा भाई 7 साल का था। हम फ्रेंक्स अपने स्टार एयरलाइन में बहुत ही ज़्यादा खुशियों से रहते थे। हम लोग के घर में 4 लोग थे, मैं, मेरी मॉम, मेरे डैड और मेरे भैया। लेकिन हम सभी लोग एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश रहते थे, और मेरा भाई भी था, वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा और दयालु था, हमेशा मेरे साथ रहता था। हम लोग रात को डैड को घर आने के इंतज़ार करते थे, और साथ में डिनर करते थे और मज़े से रहते थे। हम सभी लोग बहुत खेलते थे, लेकिन मेरा भाई बचपन से बहुत ही ज़्यादा बीमार पड़ दिया जाता था बीच बीच में, और हमेशा हॉस्पिटल में भर्ती हो जाता था। और फिर जब हॉस्पिटल से वापस आता था तो वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाया करता था, इसलिए वो अक्सर स्कूल से छुट्टियाँ भी ले लिया करता था। भाई चलो ना बाहर चल के खेलते हैं। रॉन, अभी मैं ठीक महसूस कर रहा था, चलो चलते हैं, अच्छा होगा। मैं अक्सर ही घर के बाहर रहना पसंद करता था, मुझे घर से ज़्यादा बाहर घूमना पसंद है। और अभी भी मैं मिनर्डा के आसमान में खुले आम उड़ने मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। एनीवे चलो अभी स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। मैं अपने भाई का हाथ पकड़ता हूँ और रोड से पार्क की तरफ चलता हूँ। तभी रोड में मुझे एक लड़का दिखाई देता है जो कि मेरे भाई को बुला रहा होता है। हे लुइस, चलो ना, सभी लोग दोस्तों को मिलकर हम लोग बाहर जाने का प्लान किए, तुम भी चलो। नहीं, मुझे माफ़ करना, दरअसल मुझे अपने भाई के साथ आज जाना है। मेरा भाई हमेशा मेरे साथ रहता था, वो कभी मतलब अपनी खुशी के लिए अपनी मेरी खुशी के लिए अपनी खुशी को भी त्याग देता था। वो बहुत ही अच्छा था, वो मेरे लिए कुछ भी कर सकता था, वो बहुत ही अच्छा था। हम लोग की डेस्टिनेशन एक ही जगह फिक्स थी, वो बड़ी सी पार्क थी जो हम लोग के घर से थोड़ी सी दूर थी। हम लोग हमेशा यहीं पर आते और घास में हमेशा लेट जाते थे, और वो मेरे छोटे से हाथ का में से पकड़े रखता था, और जब भी मैं सो जाता था तो वो मुझे अपने पीठ में लेकर घर लिया जाया करता था। एक दिन जब मेरा भाई स्कूल से वापस आता है, वो मुझे पिक्चर बुक देता है। वो पिक्चर बुक का नाम था शूटिंग स्टार नेकन। मेरा भाई उसे मेरे हाथ में देता है और फिर कहता है, रॉन ये पिक्चर बुक बहुत ही अच्छा, चलो मिल के इसे पढ़ें, ये सच में बहुत ही कमाल की पिक्चर बुक है। हाँ भाई चलो पढ़ते हैं। तब मैं बस 4 साल का था, इसलिए मुझे तब पढ़ना नहीं आता था, लेकिन मेरा भाई बहुत ही अच्छा था, वो मुझे पढ़ा के वो बुक हमेशा सुनाता था। एक बार की बात है, इस ब्रह्मांड में एक शूटिंग स्टार था जिसका नाम था शूटिंग स्टार नेकन। वो पूरे ब्रह्मांड में इधर उधर घूमता था और ऐसे ग्रहों को तलाश करता था जहाँ पे लोग थे, और वो अपनी शूटिंग अपनी पावर की वजह से वो लोगों को हमेशा खुशियाँ देता था और लोग उसे हमेशा पसंद करते थे। उसका नाम था शूटिंग स्टार नेकन। क्या सच में, क्या ऐसा शूटिंग से सच में हो सकता है? फिर मेरा भाई थोड़ी देर कुछ सोचता है, फिर कहता है, हाँ बिल्कुल, कोई भी हो सकता है, इनफैक्ट तुम भी हो सकते हो रॉन।
अगर तुम चाहो तो तुम भी एक अच्छे से शूटिंग स्टार, बहुत ही अच्छे शूटिंग स्टार बन सकते हो। क्या क्या सच में, क्या मैं भी शूटिंग स्टार बन सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, अगर तुम्हें कोई दिखे जिसे मदद की ज़रूरत है तो बिना हिचकिचाए उसे मदद करो और उसे खुशियाँ दो। ये मत सोचो कि वो तुम्हें बदले में कुछ देगा, अगर तुम ऐसा कर पाते हो तो समझो तुम भी एक शूटिंग स्टार बन सकते हो। क्या सच में, अगर ऐसा है तो मैं भी लोगों की मदद करूँगा, उन्हें खुशियाँ दूंगा। भाई मैं उस टाइम में बहुत ही ज़्यादा छोटा था, लेकिन मेरे आँख में बहुत ही ज़्यादा उम्मीद बनी थी शूटिंग स्टार को लेकर। बाद से उस दिन के बाद से मैं हर दिन हर बार उस बुक को पढ़ते रहता, हमेशा जब मेरा भाई स्कूल जाता है और कोई नहीं रहता तो मैं मॉम से उस बुक को पढ़ने के लिए कहता हूँ, और मैं बस ऐसे पिक्चर्स को उस बुक को देखते रहता हूँ, और मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैं इस बुक को पढ़ना भी सीख गया। मैं हर बार मैं अपने भाई को पढ़ने को कहता हूँ, वो हमेशा मेरे लिए इस बुक को पढ़ते हैं, बार बार लगातार पढ़ते रहते हैं, और जब भी मैं इस बुक को पढ़ता हूँ मैं हमेशा खुद से कहते रहता हूँ हाँ कि तुम एक शूटिंग स्टार बन सकते हो। तुम एक सुबह हमेशा की तरह मेरी फैमिली सभी लोग टेबल पर बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे थे। मेरी मॉम ने बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस खाना बनाया था। फिर हे क्या हुआ बात लेविस, तुम खाना नहीं खाओगे? फिर तभी उस दिन लेकिन बहुत ही ज़्यादा अलग था, मेरे भाई ने आज खाने को छुआ तक भी नहीं, बिल्कुल नहीं। मॉम मुझे ठीक नहीं लग रहा कुछ। क्या बात है, क्या तुम फिर से बीमार लग रहे हो? फिर मेरा भाई सर हिलाता है, एनीवे मुझे भी स्कूल जाने के लिए देर हो रही है, मुझे जाना है। फिर मेरा भाई कैसे करके उठता है, स्कूल बैग लेके वहाँ से निकल जाता है। मुझे चिंता हो रही है कहीं फिर से बीमार तो नहीं पड़ रहा? डॉक्टर ने कहा तो था कि इसको ज़्यादा प्रेशर नहीं लेने, लेकिन जो भी है स्कूल जाने के बाद मैं इसे वापस एक बार हॉस्पिटल ले जाऊँगा। ठीक है फिर, ठीक है, लेकिन मुझे तब भी चिंता हो रही है। चिंता तो हो ही रहा था लेकिन मैंने कुछ कहा नहीं फिर वहाँ पर। मॉम क्या मुझे थोड़ा सा और मिल सकता है? हाँ हाँ बेटा रुक जाओ, बस एक मिनट तुम्हें दे रही हूँ। मेरी मॉम ने मुझे कुछ नहीं कहा और फिर चुपचाप मेरे मुझे खाना परोस दी, और खाने के बाद मैं वापस उस पिक्चर बुक को लेकर वहाँ पर बैठ गया पढ़ने। शाम को जब मेरे भाई स्कूल से वापस आता है और मुझे पता चलता है, मैं दौड़ उनके पास जाता हूँ। वेलकम बैक भाई, जल्दी आओ। उसका भाई भी एकदम स्माइल देता है, हाँ रॉन मैं वापस आ गया। भाई चलो ना फिर से आज पार्क चलते हैं, प्लीज़ भाई चलो ना प्लीज़ पार्क चलते हैं। क्या पार्क? रॉन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, आज नहीं किसी और दिन चलेंगे प्लीज़। हैं मगर क्यों? फिर वहीं पे मैं एकदम रोने धोने शुरू कर देता हूँ, चिल्ला चिल्ला के, नहीं भाई मुझे जाना है, नहीं भाई मुझे जाना है, आपने कहा था पार्क ले चलोगे, नहीं भाई मुझे जाना है, नहीं रॉन रुक जाओ, नहीं भाई मुझे जाना है, प्लीज़ रॉन भाई मुझे जाना है। वो मेरा भाई फिर बस देखते रहता है। ठीक है रॉन चलो, जब तुम कह रहे हो तो फिर चलते हैं। हाँ ठीक है भाई, थैंक यू भाई। फिर मैं अपने भाई को एकदम जोर से जाकर एकदम कस के पकड़ लेता हूँ। रॉन मुझे दर्द हो रहा है छोड़ो। हाँ हाँ मुझे मजाक कर रहा हूँ। फिर मैं अपने भाई का हाथ पकड़ के जोर जोर से उसे खींच कर लेके आता हूँ। वो आज का मौसम भी थोड़ा अजीब था। हाँ भाई चलो ना जल्दी चलो। रॉन जरा देखो तो आसमान थोड़ा ठीक नहीं लग रहे हैं। ओह तुम बहुत ही चिंता करते, ऐसा कुछ नहीं है जल्दी करो। फिर हम लोग पार्क में पहुँच जाते हैं, वहाँ पर मैं अपने भाई का हाथ छुड़वाता हूँ और फिर दौड़े दौड़े वहाँ पर चले आता हूँ पहाड़ों की तरफ। और फिर मेरा भाई भी आराम से घास में बैठ जाता है। फिर वहाँ पर मैं पहाड़ के किनारे मतलब घाई के किनारे चले जाता हूँ, वहाँ से मैं अपने भाई को हाथ दिलाता हूँ और फिर ऐसे ही नीचे की तरफ दौड़ने लगता हूँ कि तभी वहाँ पर मेरा पैर फिसलता है और फिर मैं गिर जाता हूँ, वहाँ पर मेरे घुटना चल जाता है। रोन क्या तुम ठीक तो हो ना, तुम ठीक तो हो ना? हाँ भाई देखो ना मेरा घुटना छिल गया भाई। तब मेरे भाई ने मुझे पीठ में उठा लेता है। हाँ जल्दी क्या हुआ, बारिश शुरू हो गई जल्दी भागो। दोनों दौड़े दौड़े अपने घर की तरफ जा रहे थे, लेकिन उसके पैर को देख के लग रहा था उसके पैर में जान नहीं, वो बहुत ही अजीब सा लग रहा था। मुझे थोड़ी सी चिंता तो हो ही रही थी। भाई क्या तुम ठीक तो हो ना? हाँ क्या हुआ क्या हुआ क्या बात है रोन? फिर नहीं नहीं कुछ नहीं। फिर हम लोग दौड़े दौड़े जाते हैं, फिर हम लोग घर पहुँचते हैं। घर में पहुँच के हम लोग बिल्कुल पूरी तरह से गीले हो चुके थे। हे आखिर तुम इतने गीले कैसे हुए, जल्दी से कपड़े बदल लो। मॉम दरअसल हम लोग पार्क में गए थे, अचानक से इतनी तेज़ बारिश हो गई थी हमें पता नहीं चला, और फिर मैं अपने भाई के पीठ में आ गया। हाँ ठीक है लिविस, क्या तुम अपने कपड़े, तुम तो पहले ही पहुँच चुके हो, क्या तुम अभी नहाने जाओगे, क्या नहीं तो तुम्हें ठंड लग जाएगी? हाँ ठीक है जाता हूँ। फिर मेरा भाई वापस से अपने कमरे में चले आता है, और खुद अपने को पूछने के बाद मैं वापस से उसी किताब को लेकर मैं अपने भाई के कमरे में जाता हूँ। फिर अपने उस दरवाजे खोलने के बाद मैं देखता हूँ वो कमरा पूरा अंधेरे में था, और मेरा भाई स्टडी टेबल पर चुपचाप बैठा था, हिल भी नहीं रहा था। भाई प्लीज़ मेरे लिए किताब को पढ़ दो प्लीज़ भाई। फिर वो धीरे से पीछे मुड़ता है। रॉन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं भी इस किताब को पढ़ने लायक नहीं हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, इसे पढ़ो ना प्लीज़ रॉन, मुझे बाद में मिलेंगे। भाई क्या बात है, आज तो मुझे बस मना ही किया जा रहा हूँ, मेरी बात नहीं सुन रहे हो, प्लीज़ इसे पढ़ो। फिर वो उसे बस कुछ नहीं कहता, उसकी आंखें बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर लग रहे थे। इसे पढ़ो ना रॉन, क्या तुम्हें एक बार में समझ नहीं आती, मैं इसे अभी नहीं पढ़ सकता, तुम यहाँ से जाओ। ये सुनने के बाद मैं अपने भाई के बहुत ही ज़्यादा चिल्लाता हूँ, भाई मुझे तुमसे बिल्कुल नफरत है, जो तुम मेरी बात बिल्कुल नहीं समझते, मैं तुमसे नफरत करता हूँ।
फिर मैं अपने दरवाजे पर जोर से दम लगा कर चले आता हूँ। क्यों, आखिर क्यों मैंने उस टाइम ये बात कही, आखिर क्यों? अपने भाई के कमरे के आने के बाद दरअसल मैं थोड़ी देर के लिए झपकी ले लिया था, और फिर जैसे उठता हूँ और देखता हूँ घर में कोई नहीं रहता, पूरा घर सन्नाटा और शांत रहता है, मैं बिल्कुल डर जाता हूँ। मॉम, डैड, बड़े भाई कहाँ है? मैं लगभग रोने वाला होता कि तभी वहाँ पे दरवाज़ा खुलता है और फिर वहाँ पे मुझे जो दिखता है कि मैं खुश हो जाता हूँ। डैड, आप? हाँ बेटा, दरअसल मैं भूल ही गया था कि तुम यहाँ पे हो, इसलिए मैं दौरान वापस आया यहाँ पे, तो और यहाँ पे वापस आया था। क्या, आखिर आखिर सभी लोग गए कहाँ पे है? दरअसल तुम्हारा भाई बहुत ही बीमार है, इसलिए मैं उसे हॉस्पिटल ले गया। क्या सही में, क्या भाई ठीक थे ना? हाँ बिल्कुल, दरअसल मैं उसे डॉक्टर को भी दिखा दिया हूँ और वह सब ठीक होगा। फिर मैं अपना सर हिलाता हूँ। फिर मेरे डैड वहाँ पे डिनर की तैयारी कर रहे थे कि तभी वहाँ पे एक फ़ोन कॉल आता है, और फिर मेरे डैड रो रहे थे। क्या क्या हुआ? ये सुनने के बाद मेरे डैड एकदम शांत हो, मैं भी एकदम शांत रहता हूँ। ठीक है, तो मैं अभी आ रहा होता हूँ। फिर मेरे डैड जल्दी जल्दी सारे गैस स्टोव सब कुछ ऑफ करने लगते, और फिर जल्दी से डोर को भी लॉक करने लगते। मैं एकदम से टेंशन में आ गया था। क्या बात है डैड, क्या हुआ बताइए ना। दरअसल हम लोग हॉस्पिटल चले, और रॉन तुम भी मेरे साथ आओ, जल्दी करो। क्या हॉस्पिटल? हाँ जल्दी करो। फिर मेरे डैड हम लोग बिना कुछ सोचे समझे जल्दी जल्दी गाड़ी से लेकर हॉस्पिटल की तरफ जा रहे होते। उस टाइम मैं 4 साल का था, इसलिए मैं बहुत ही डरा हुआ था, आखिर क्या होने वाला है। फिर हम लोग हॉस्पिटल के कॉरिडोर में पहुँचते, वहाँ पर मुझे मेरी मॉम भी दिख जाती है, और मेरी मॉम भी वहाँ पर मुझे देख लेती है। मॉम, ओह रॉन को भी तुम साथ में लेकर आए? फिर हम लोग वहाँ पर सोफे में बैठे हुए थे कि तभी वहाँ पर डॉक्टर आते हैं। ओह तो आप लोग आ गए, जल्दी से आप लोग यहाँ पे आए। फिर हम सभी लोग डॉक्टर के कमरे में जाते हैं, वहाँ पर बहुत सारे मशीन्स लगे रहते हैं, लेकिन मैं बस चारों तरफ देख रहा था, लेकिन मॉम और डैड के चेहरे बहुत ही ज़्यादा एकदम गिरे हुए थे, बहुत ही ज़्यादा टेंशन में। मैंने लेविस की अच्छी सी जांच की, और दरअसल लेविस को फिर डॉक्टर ने वहाँ पे बहुत सारे नाम लिए, जैसे कोई बीमारियों के नाम, साथ ही साथ बहुत सारे नाम। तब मैं बच्चा था इसलिए मुझे कुछ ज़्यादा याद नहीं, लेकिन ऐसा लग रहा था कि भाई की एक पुरानी बीमारी थी जो कि वापस आ रही थी, और अगर ये वापस एक बार आ गए तो इसे ठीक करना बहुत ही मुश्किल, ये जानलेवा भी हो सकता था। उस दिन जब हम दोनों बारिश से भीग के वापस आए, तो मॉम ने भाई की हालत को देख लिया था, अभी तुरंत उन्हें उसे हॉस्पिटल लेकर आए थे। हम डॉक्टर्स अब बस अपनी पूरी कोशिश ही कर सकते हैं। मेरी मॉम बहुत ही ज़ोर ज़ोर से रो रही थी, डैड के चेहरे भी बहुत ही ज़्यादा उदास थे, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। फिर हम लोग वहाँ से वापस चले आते हैं। मॉम वहाँ पर हॉस्पिटल में रुक जाती थी, लेकिन मैंने उसके बाद मैं मॉम डैड से कुछ नहीं पूछा, लेकिन घर जाते मैंने अपने डैड से सबसे पहली बात जो पूछी थी वो ये थी, डैड क्या भाई ज़रूर ठीक होंगे ना? फिर मेरे डैड बहुत ही अपने सर को ज़ोर ज़ोर से हिलाते हैं। हाँ भाई, हाँ बेटा, तुम्हारा भाई तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाएगा, वो हमारे साथ ही रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। सच में? लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। कुछ महीनों बाद हमें माफ़ कीजिए, हम डॉक्टर्स ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन यह सुनने के बाद मेरी मॉम मानो एकदम एकदम इनका दिमागी संतुलन खो बह रहा था। डैड वहीं पर ज़मीन पर गिर पड़े, मॉम वहाँ पर फूट फूट के रोने लगी। आखिर मुझे समझ नहीं आता कि वहाँ पे हो क्या रहा है, मैं एकदम मुझे कुछ समझ नहीं आता, लेकिन मुझे कुछ ना कुछ पता चल ही गया था कि कुछ ना कुछ बुरा हुआ है। क्या आखिर डैड भैया के साथ क्या हुआ, आखिर क्या हुआ भाई को? फिर मेरे माँ मेरी तरफ मुड़ती है और मुझे गले लगा लेती है। रॉन रॉन भाई अब तुम्हारे भगवान के पास चले गए। क्या कहा, भगवान के पास? दरअसल तुम्हारा भाई अब नहीं रहा, तुम्हारा भाई नहीं रहा, वो मर चुका है। ये सुनने के बाद मेरा मानो सब कुछ एकदम तबाह हो गया, मेरे को समझ नहीं पा रहा था। भाई मर गया? ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे बिल्कुल नहीं हो सकता, कह दो ये झूठे, ऐसा नहीं हो सकता। मैं वहाँ पे फूट फूट के रोने लगा, वहीं पे सो गया जमीन पर, और फिर वहाँ पे चिल्ला चिल्ला के रोने लगा। ऐसा नहीं हो सकता, मेरे भाई ऐसे नहीं मर सकता, ये कह दो ये झूठ है, ये झूठ है, ये झूठ है। चुप हो जाओ रॉन। हाँ मेरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे भाई मुझे छोड़ कर कभी नहीं जा सकता। आखिर वो क्यों मरे, प्लीज़ मुझे बताओ, आखिर क्यों, आखिर वो मुझे छोड़ कर कभी ऐसे नहीं जा सकते, प्लीज़ बताओ क्यों, आखिर क्या हुआ? फिर मुझे तभी वहाँ पे असलियत की याद आया, और सब कुछ मैं अपने ऊपर जिम्मा लेने वाला था, क्योंकि ये सब मेरी गलती थी, और जिसकी वजह से मैं अपने भाई को कभी ऐसे माफ़ नहीं कर पाता और कभी उससे वापस नहीं मिल पाऊँगा। इस घटना के बाद हमारे फैमिली में बस 3 लोग रह गए थे, ये जानते हुए कि मेरे भाई वापस कभी नहीं आ सकते, लेकिन फिर भी मेरे मॉम डैड हमेशा मेरे साथ खुश रहने की कोशिश करते थे और हमेशा मेरे रहते थे। आज मेरे भाई का डेथ एनिवर्सरी था, और दरअसल मेरे भाई का कपड़े बहुत ही बड़ा नहीं था, लेकिन सच में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था, क्योंकि मेरे मॉम हमेशा टाइम टू टाइम उस कपड़े को मैं फ्लावर रिप्लेस करते रहते थे। आज मैं और मेरी फैमिली, पूरी फैमिली मेरे भाई के कब्र के सामने खड़े थे, और सभी लोग आंखें बंद करके प्रार्थना कर रहे थे, मेरा भाई इस कब्र के अंदर सो रहा है हमेशा हमेशा के लिए। ये बात मेरा दिल कभी अपना नहीं सका, और क्यों पता नहीं ये दिल मेरे ये बात कभी अपनाना चाहता भी नहीं है।
ये सब मेरी गलती है। आखिर उस दिन मैं आखिर अपने भाई को फोर्स क्यों किया उस दिन पार्क में जाने को। आखिर मैं उस दिन अपने भाई का अच्छे से ख्याल रखता तो शायद ये सब नहीं होता। और काश मेरे अंदर थोड़ी सी भी दया होती उस दिन, काश। लेकिन उससे भी ज़्यादा भाई, मैं तुमसे बिल्कुल नफरत करता हूँ। तुम मेरी बात नहीं सुनते, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। क्यों, आखिर मैंने उस दिन ये बात क्यों कही? मैं उनसे ये बात कभी कहना नहीं चाहता था भाई। ये सब बिल्कुल झूठ था, ये सब बिल्कुल झूठ। मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, मैं ये सब हमेशा चाहता था। लेकिन अब मैं उनसे कुछ कह भी नहीं सकता। मुझे सच में उनसे एक बार मिल रहा है और उनसे मुझसे माफ़ी मांग रहा है जो भी मैंने उनसे कहा, और कह रहा है कि वो मेरे ज़िंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ शूटिंग स्टार नेकन, मैं उस बुक को हमेशा अपने गले से लगा के रखता हूँ जो बुक मेरे भाई ने मुझे दी थी, और इसी की वजह से मैं लेटर्स को पढ़ना सीख पाया हूँ। और इससे भी ज़्यादा, जो मेरे भाई ने मुझसे हमेशा कहा था कि तुम्हें लोगों को हमेशा खुश रखना होगा। क्या खुश रखना? फिर मैं इस पेज को पलटता हूँ और फिर देखता हूँ कि लोग खुशी से अपने शूटिंग स्टार को देख रहे, अपने हाथों पर हिला रहे होते हैं। भाई, क्या सच में कोई शूटिंग स्टार जैसी चीज़ भी होती है? हाँ बिल्कुल, तुम भी रॉन, क्या तुम मैं पता है तुम भी शूटिंग स्टार बन सकते हो। क्या सच में ऐसा मैं बन भी सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, अगर तुम्हें किसी की कोई देखे जो जिसे मदद की ज़रूरत हो तो बिना हिचकिचाए, बिना किसी लालच के तुम्हें उसे मदद करनी चाहिए। और अगर तुम ऐसा करते हो तो समझो कि तुम भी एक शूटिंग स्टार बन सकते हो और एक शूटिंग स्टार नेकन की तरह कर सकते हो। क्या सच में? सच तो फिर मैं भी एक शूटिंग स्टार ज़रूर बनूंगा। हाँ मैं ज़रूर बनूंगा। हाँ, क्योंकि मैंने अपने भाई से प्रॉमिस किया कि मैं लोगों को खुश करूंगा और शूटिंग स्टार एक ज़रूर बनूंगा। भाई तुम बस देखते चला कि कैसे मैं एक शूटिंग स्टार बनता हूँ और तुम्हें प्रूफ करके दिखाता हूँ। हाँ मैं ज़रूर बनूंगा। उस समय ऐसे लगो जैसे मुझे एक आवाज़ आ रही, मेरे भाई की आवाज़, और वो मुझे कहना चाहती है अपने पूरा कोशिश करना। रैमी जल्दी करो, इसे चोट लगी है, तुम इसे जल्दी हॉस्पिटल ले जाओ। हाँ मैं समझ गई, जल्दी करती हूँ। तभी हम देखते कि वहाँ पे एक लड़का था जो कि ग्रीन कलर का मास्क और ब्लू कलर का चोगा पहने वहाँ पे लोगों को रेस्क्यू कर रहा था जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हुआ था। और वहाँ पे कुछ ही लोगों के बीच वहाँ पे एक आवाज़ आ रही थी जो कि कुछ लोग बड़बड़ा रहे थे। आज का ये टॉपिक बन सकता है कि परमैन का काम कोई भी कर सकता है, चाहे वो बच्चा ही क्यों ना हो। हाँ दरअसल मैं ही परमैन नंबर वन अपॉइंट किया गया था। दरअसल एक दिन बर्डमैन नाम का एक एलियन आया और मुझे परमैन से दे गया। परमैन का काम इतना आसान नहीं होता है, कई बार हमें इतनी ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ता है जो कि हमें रुला दे। लेकिन उन्हीं चीज़ों का सामना करने के लिए हमारे पास अच्छे दोस्त होते हैं जो हमेशा हमारी मदद कर रहे हैं हर एक काम पर। रैमी दरअसल ये भी मेरी एक परमानेंट पार्टनर है जो कि हमेशा मेरे साथ रहती है और कभी मुझे अकेले नहीं छोड़ती, ये बहुत ही अच्छी है। हे क्यों हम दोनों मिलकर इसे हॉस्पिटल ले चले? हाँ फिर तो फिर ठीक है। क्या ये कोइंसिडेंस था कि मैं एक परमानेंट बनाऊँ, या फिर ये उस भाग के लिए हुआ जो मुझे हमेशा स्वर से देखे जाए? जो भी हो, लेकिन मैं अपने प्लैनेट में बेस्ट परमानेंट सिलेक्ट किया गया और मुझे आगे बर्ड प्लान भेजेगा ताकि मैं बर्ड मैन बनने के लिए आगे पढ़ाई कर सकूं और एक अच्छा कैंडिडेट बन सकूं। बर्ड प्लान में मैंने बहुत सारे दोस्त बनाए और बहुत ही ज़्यादा क्लोज फ्रेंड भी बनाए जो हमेशा मेरे साथ देते थे, जैसे मित्सुओ, रॉन, रूसा, सोफी, ये हमेशा मेरे साथ देते थे। बर्ड मैन बनना मेरे लिए शूटिंग स्टार बनने जैसे ही है जो कि हमेशा यूनिवर्स की शांति को बचा सके और हमेशा लोगों को खुशियाँ दे सके। भाई तुम मुझे हमेशा देखते रहना कि मैं तुम्हें बन के दिखाऊंगा, एक शूटिंग स्टार ज़रूर बन के दिखाऊंगा, और ये मेरा वादा है। और इसीलिए तुम मुझे बस इंतज़ार करो और देखते जाओ कि कैसे मैं एक बहुत ही अच्छा बॉयमैन बनता हूँ।